संजीव झा जी, संजीव झा जी, मैंने सुना है जीके वाला गड्ढा तो आप लोगों ने भर दिया, क्योंकि मैंने वहां भी रिपोर्टर को भेजा था, रिपोर्टर ने मुझे बताया कि अब गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन ये इंडिया गेट वाला गड्ढा आपसे भी कुछ कह रहा है? देखिए अंजना जी, एक बात तो ये ठीक है, जो जो बारिश हुई है वो पिछले 40 साल में इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई, और मुझे लगता है ये बात दिल्ली की नहीं, बात पूरे देश की है। अगर मैं चर्चा फिर हिमाचल की करने लगूँ, उत्तर प्रदेश की करने लगूँ, गुड़गांव की करने लगूँ, तो मुझे लगता है ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा, और मुझे लगता है ये वक्त भी नहीं है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन जो अभी सुधांशु जी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, लगातार ये कोशिश करते रहे कि किस तरह से दिल्ली सरकार के काम को अपने अधिकारियों के जरिए रोका जाए। वो भाई, इनके एलजी साहब को बड़ा ये शौक है कि खुद जाकर काम कराने का। आप ही के कैमरामैन को खूब बुलाया उन्होंने, शाहदरा ड्रेन पे, नजफगढ़ ड्रेन पे खूब बुलाया है उन्होंने, यमुना साफ सफाई करते वक्त। हालांकि एनजीटी के चेयरमैन बनने के भी आदेश, और चेयरमैन भी बन गए यमुना सफाई एक्शन प्लान का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको भी स्टे कर दिया। लगातार जल बोर्ड के इन्हीं के फाइनेंस सेक्रेटरी एलजी कहने पर लगातार बजट कम करते जा रहे हैं, वो पिछला जो पिछले साल का बकाया है वो नहीं दे पा रहे हैं, नए काम नहीं हो पा रहे हैं। तो पूरी साजिश तो इनकी रही है कि दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उस पर रिसर्च करना चाहिए। इन्होंने एलजी साहब को इसलिए नहीं भेजा है कि वो यहां आकर के दिल्ली सरकार को मदद करें, बल्कि इसलिए भेजा है कि दिल्ली सरकार के काम को रोकें। खुद ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने लगते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं तो इम्यून हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम ही देंगे, हम काम कराएंगे। और इस तरह से दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, सबके जरिए दिल्ली के सारे काम को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने दो विजुअल दिखाए, एक विजुअल दिखाया आपने गैटर कैलाश का, गैटर कैलाश पे काम चल रहा है। हालांकि मैं अगर इस पे आरोप प्रत्यारोप में कह सकता हूं कि इंडिया गेट या एनडीएमसी के अंदर आता है, एनडीएमसी इनके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से जनता का भला नहीं होने वाला या लोग समाधान नहीं मिलने वाला है, काम करने की जरूरत है। और हम उस पर भी काम कर रहे हैं, एनडीएमसी से भी रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, कब तक काम हो जाएगा, कैसे काम होगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपात स्थिति में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अभी तक 41,000 लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, उस पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है कि उसको खाने की दिक्कत ना हो, उसको बाकी चीजों की दिक्कतें ना हो। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपात स्थिति है, इस आपात स्थिति से कैसे निकला जाए। लेकिन मैं जैसे शुरू में कहा कि बात ये केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश में आप देखिए, हिमाचल में पुल के पुल बह गए, आप देखिए उत्तराखंड की क्या हालात है, बगल में गुड़गांव की क्या हालात है, देखिए नोएडा की क्या हालात है। देखिए, अगर सुधांशु जी नोएडा को बहुत अच्छा कर लिए होते, गुड़गांव को बहुत अच्छा कर लिए होते, तो दिल्ली पर सवाल करने का अधिकार था इनका। लेकिन मुझे यह लगता है कि अभी सबको मिलकर के काम करना है, और इस दिल्ली के लोगों को या देश में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो लोग दिक्कतें ना उसमें काम करना है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहां बैठ जाती है, एक तरफ ऑर्डिनेंस के जरिए अपने दिल्ली के अधिकारी कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ जब काम नहीं काम होने में अगर समय लग जाता है तो फिर दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। मतलब मानवता और इंसानियत इन लोगों में खत्म हो चुकी है। जिसी दिल्ली की जनता ने 7 सांसद भी दिए थे, भूल जाते हैं, दिल्ली की जनता से बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, हमारी पैशन जो है वो आरे नहीं आएगी इनके। इन दोनों के बीच में तो फुटबॉल का गेम चल रहा है, वो उधर मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो उधर। आपने अपना गोल पोस्ट चुना है क्या, और ये गड्ढा आपको क्या कह रहा है? मुझे ये गड्ढा चीख चीख कर एक बात कह रहा है कि यहां पर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जनता इंटरेस्टेड नहीं है। जनता ये पूछना चाहती है कि हम कमर बराबर पानी में क्यों खड़े हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कहीं और हो। और असलियत ये है, और मैं थोड़े से सेंसिटिविटी लाना चाहती हूँ उस डिबेट में, और मैं कहूंगी मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड या हिमाचल की बारिश को दिल्ली की बारिश से कंपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक फ्लैट लैंड है, दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यहां पर सारे संसाधन है, सारी संस्थाएं हैं, मेट्रो है, 2 करोड़ लोग रहते हैं, और बहुत मॉडर्न एमिनिटीज से लैस है। जो हिमाचल या जो उत्तराखंड में हो रहा है वो वाकई में दैवीय आपदा है, और उस पर हम सब लोगों को नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड भाजपा शासित है, कांग्रेस शासित हिमाचल है। मुझे लगता है वहां पर जो भयावह स्थिति नेचर के चलते हो रही है वो कंपैरिजन यहां नहीं करना चाहिए। मैं दो बातें लेकिन जरूर कहूंगी। ये कह देना कि इतनी बारिश कभी नहीं हुई, मुझे लगता है थोड़ा गलत है।
और ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरकारें बनाई ही जाती हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों से लड़ने के लिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सॉल्यूशंस लाने के लिए। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाए ही जाते हैं वंस इन 100 ईयर्स में जो कोई बड़ी चीज हो उससे निपटने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैं 2-4 बातें तथ्यों के साथ रखना चाहती हूं। मुझे लगता है ये तू-तू मैं-मैं का वक्त नहीं है। दिल्ली की जनता नाराज है, दिल्ली की जनता खफा है, वो राजनीतिक तू-तू मैं-मैं नहीं चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉर्म वाटर, जो बड़े पानी का जो ड्रेनेज होती थी, वो जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी करते थे। जिस जल बोर्ड पर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए बकाया है, लॉसेस में चल रहा है, जो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है अपने लिए हुए लोन पर, वो क्या दिल्ली साफ करेगा? एमसीडी को सड़कें साफ करनी थी 1 महीने पहले, अभी तक क्यों नहीं साफ हुई? कुछ चीजों पर गौर करना जरूरी है। ऐसी तमाम वेटलैंड्स हैं, जो छोटे तालाब, छोटे पोखरे, छोटी लेक होती थी, जिनको भर दिया गया है, इसलिए पानी उभर रहा है। 30 से 40% बढ़ोतरी हो गई है ये जो अनऑथराइज कॉलोनी की लैंड होती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखकर प्लानिंग करने की जरूरत है आज। और मैं ये बिल्कुल भी मजाक में नहीं कह रही हूं, लेकिन ये दुख की बात है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी में मजाक चल रहा है। नॉर्थ कैंपस का वाटर पार्क देख लो जी, निवासपुरी की नहर देख लो, कनॉट प्लेस का समुद्र देख लो, जीके वन की झील देख लो, सदर बाजार की नदी देख लो, बीकेएस का जाके नदी का किनारा देख लो। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज आप सरकार में हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इधर उधर दोषारोपण आप नहीं कर सकते हैं, आपने तैयारी नहीं करी थी। और यह भी एक सच है कि यमुना में 4 दिन पहले फ्लड का अलर्ट आया, एक टेंट नहीं लगाया गया राहत और रिलीफ के लिए, क्यों नहीं लगाया गया? आज आप नदियों पर बैठ के यमुना में मत घूमिए, नावों पर बैठ के, वो करने का वक्त गुजर चुका है। कोई कैमरा इस पर कैप्चर, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मंत्री और कौन मुख्यमंत्री नदियों के ऊपर घूमे। आज जब काम करना था तब होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है प्राथमिकता लोगों की सहूलियत होनी चाहिए। और बीजेपी इससे कैसे पलड़ा झाड़ रही है मेरी थोड़ी सी समझ के बाहर है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तक ही एमसीडी पर उनका कब्जा था। लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं यही नसीहत दूंगी, आप सरकार में हैं, मुंह मत मोड़िए और इधर उधर दोषारोपण मत करिए। जो काम 1 महीने पहले हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए दिल्ली में।